गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम एक नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, नए जगह पे जा रहे हैं। ये मेरठ एक्सप्रेसवे है। अभी मेरठ वैसे पहुँचे नहीं है, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे कहते हैं इसको। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जो तो राइट जाना है, राइट 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 घुमा लो। अरे यहाँ हो गया कंफ्यूजन, आ जाओ जयंत दा। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आगे रोक रहे। मैप मैं राइट दिखा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें। हमें एक्चुअली वैसे तो दोनों रास्ता जाता है, लेकिन आगे जाके वो लेफ्ट को मुड़ जाएगा, अक्षरधाम चला जाएगा। तो जयंतोदा भी पीछे मुड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, दो यहाँ पे मैप में दिखा रहा है ना, लेकिन वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे और जयंतोदा भी आ जाएंगे। थोड़ा सा रिवर्स लेके फिर घुमा के लेके आना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर मेरठ या फिर नैनीताल जाना है तो राइट वाला रास्ता लेना है, लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो जा रहा है अक्षरधाम, वहाँ कहीं और चले जाओगे तो ध्यान रखना इस बात का। वो कंफ्यूजन था थोड़ा सा, आगे वाला ना थोड़ा सा वो दूसरे तरफ जाता है। यहाँ से लाल कुआं तक, हाँ हाँ, पुलिस खड़ा होगा ना, हाँ पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा इजी रहता है। आगे जाके अच्छा, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। कन्फ्यूजन तो होता ही है, ये वो क्लियर कट समझ में नहीं आता है गूगल में आजकल। यहाँ पे मैं भी दो तीन बार भटका हूँ, जब समझ में नहीं आ रहा था गूगल, कभी लेफ्ट कभी राइट, हमने लेफ्ट ले लिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर रहता है, मतलब यू कैन खींच सकते हो यहाँ पे ना, गाड़ी गाड़ी और बाइक दोनों अच्छे से। चौड़ा रास्ता है ना, वहाँ लेफ्ट साइड में कई बार ट्रैफिक हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। बाकी तो मिलना वही है, सारे जाके वही मिल जाता है। बहुत ही सुंदर हाईवे है, अगर लेफ्ट से ले लेते ना तो जाते उधर ही, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये देख रहे हो ये क्या चल रहा है, एकदम डिकजक डिकजक डिकजक। ये सब पूरा रास्ता सब ये करके रखते हैं, तो बस इसीलिए मैं कहा थोड़ा सा लेट भी घुमा लोगे, दो मिनट लेट होगा, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। चलो यहाँ से आप खींच दो, 100 खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा 100 की स्पीड में। ये देख रहे हो सारे जगह, ये पता नहीं ये ख़त्म नहीं होता है क्या इनके डिकजक डिकजक। हाँ ये नवरात्र, अरे ये तो आज तो महालय है, हाँ तो इसी का होगा, इसलिए डिकजक 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 चल रहा है एकदम। साला सही है, मज़ा आ रहा है इस रास्ते में बाइक चलाने में, पहली बार चला रहा हूँ। ओहो अमेजिंग, आप देखो, और नॉन स्टॉप जा सकते हो, कोई रेड लाइट नहीं कुछ नहीं, यही फ़ायदा है। तो गाइज ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। तो आगे जो है एक जगह पे बाइक अलाउड नहीं है, ऐसे करके साइन बोर्ड तो था, पर कुछ बाइक्स जा रहे थे तो हमने कहा हम भी निकल लेते हैं, आगे जाके थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे। तो अभी ये बड़ा दिक्कत कर दिया है कि बाइक हर एक्सप्रेसवे में, बहुत सारे एक्सप्रेसवे में बंद कर दिया, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि ज़्यादातर एक्सप्रेसवे में बाइक बंद कर दिया है। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, तो बाइक वालों के लिए तो काफ़ी परेशानी हो गया है, क्योंकि फिर वो पूरा ट्रैफिक में वो सारा चीज़ चलाना पड़ता है। और सामने आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा होगा, पूरा सूरज जो है एकदम आँखों के सामने है, तो अब पता नहीं कैसा है, कैसा आप लोग को दिख रहा होगा। और ये एक्सप्रेसवे तो ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे है, अभी हम देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, सीधा ही तो दिखा रहा है अभी, तो लेफ़्ट को जो है वो गाज़ियाबाद नोएडा चला जाएगा सीधे। अभी आप देखो यहाँ पे भी वैसे साइन तो लिखा है कि बाइक नहीं जा सकते, लेकिन देखते हैं आगे जाके कहीं ना कहीं हम लेफ़्ट तो ले ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर, ये देखो ये स्कूटर वाला भी इधर से आ रहा है, तो आगे जाके कट होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ से हम ले लेंगे।
तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से बाइक अलाउड नहीं, वैसे लिखा तो है लेकिन यहाँ बाइक जा रहा है, और सामने आप देखो पुलिस वाला भी जा रहा है। और ये पुलिस वाला पता नहीं पुलिस वाला है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और बिना हेलमेट के जा रहा है। आप देखो हेलमेट नहीं पहना है इसने और वर्दी में है, तो वर्दी वालों के लिए सब माफ़ है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और हम लोग अगर बिना हेलमेट के चलते हैं तो चालान हो जाता है। वैसे चालान के लिए हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। क्यों जॉइन तो था, सही कह रहा हूँ। और ये पुलिस वाला देखो आप, पास दे रहा है बिना हेलमेट के, पास दे रहा है, तो उसको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो ये अपने सेफ्टी के लिए तो कुछ नहीं करते, हम लोग जो है हेलमेट पहन के ही बाइक चलाते हैं, एक स्पीड लिमिट पे बाइक चलाते हैं। और आप लोग भी हेलमेट ज़रूर पहनना, सेफ्टी फर्स्ट। तो गाइज हम लोग जो है अभी मेरठ एक्सप्रेसवे है, और टाइम जो है अभी 7:36 हो गया है, 2 अक्टूबर है आज। आज हम लोग जो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए मोगा, और काफ़ी दूर है हमारे घर से, 133 किलोमीटर के आसपास है। तो आज हमने सोचा कि इधर हम कवर करेंगे। जयंतुदा और मैंने काफ़ी साल पहले इस रास्ते से कवर किया था, इस रास्ते से नहीं, हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, तब वो पलवल वाला रास्ते से गए थे, वो भी अच्छा था, उसका भी ब्लॉग है, वो भी हमने रिकॉर्ड किया था। और आज मेरठ एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। इस रास्ते से हम मुक्तेश्वर बहुत बार गए हैं, लेकिन आज बाइक से जा रहे हैं। और बाइक से जो है हमें एग्ज़िट लेना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते हैं, तो आगे हम लोग लेफ्ट से ले लेंगे। इनफैक्ट लेफ्ट से जाना है क्योंकि सीधा तो मेरठ ही जा रहा है, तो यहाँ तक तो आ गए तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप देख सकते हो आगे से ही लेफ्ट है, एक कट होगा, और ये कट मैंने बहुत बार मिस कर दिया था, तो अभी यहाँ से पता नहीं, अरे ये कट बंद कर रखा है। ओहो ये कट तो भाई साहब बंद कर रखा है। अच्छा आगे से कट होगा, आगे से है, आगे से लग रहा है, हाँ यहाँ से बंद कर रखा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कोई। अच्छा ये टोल चालू नहीं हुआ है, और यहाँ पे कुछ बाइकर्स दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है बाइकर्स का, जाने दे रहा है नहीं दे रहा है, दे तोड़े, हाँ निकल लो निकल लो, निकल गए। ये टोल है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोल तो नहीं है ना ये, हाँ। तो आगे जो सीधा जो जा रहा है वो मेरठ जा रहा है, और लेफ्ट को जा रहा है ये जो आपका हापुर, हाँ। तो यहाँ से तो हम जा ही सकते हैं, राइट से नहीं जाने दे रही है, देखो राइट से यहाँ रोक रहा है, यहाँ पे रोक दिया है पुलिस वालों ने, और हम लेफ्ट को निकल गए हैं। तो यहाँ से तो हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बाइक वगैरह है, और ये सिंगल रोड भी है, आगे से हमें राइट घूमना पड़ेगा, है ना, हाँ। तो बढ़िया है, सही है, यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, फिर कोई इशू नहीं, यहाँ से तो बाइक जाए अलाउड ही है। आ जाओ अभी हम खींचते हैं, फिर अभी हम राजा है कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे बाइक है, सो यहाँ से तो हम निकल ही लेंगे, क्योंकि आगे से हल्द्वानी की तरफ ही जा रहा है नैनीताल वाला रास्ता जो है, यहाँ से बाइक अलाउड है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता एक्सप्रेस वे है ये, रोड अच्छा है, एक्सप्रेसवे नहीं है, तो यहाँ पे बाइक अलाउड है, बाइक जा सकते हैं, बहुत सारे लोग बाइकर्स को मैंने देखा है यहाँ से जाते हुए, ठीक है। तो हमने सही लिया है, कोई ख़राब डिसीजन हमने नहीं लिया है, पर यहाँ पे कुछ ख़तरनाक सा जाम लग रहा है। अरे रे 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 क्या हो गया, हाँ एक गाड़ी का इशू है, उसने रोक दिया, उसके चक्कर में ये पूरा जाम। अरे यार कुछ जाम उम नहीं है, आ जाओ, वो गाड़ी वाले का इशू है, उसने बेकार का इधर रोक दिया सारे लोग जो है। तो गाइज़ अभी आप देखो
कितना भयंकर जाम है। 2 अक्टूबर है, हमने सोचा था कि अच्छे से हम राइड को निकलेंगे और दोनों तरफ जो ट्रक लगा रखा है ना उसकी वजह से, यहाँ बॉटलनेक हो रखा है उसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। फाइनली हम निकल गए हैं, लेकिन 15 मिनट तो हालत ख़राब हो गया भाई साहब। यहाँ पे देखो हर जगह पे रोक के रखे हुए हैं पुलिस वाला, हाँ इसीलिए बैरिकेड कर रखा है यहाँ पे, इसी की वजह से जाम हो रखा है। तो यहाँ पुलिस वालों ने रोक के रखा हुआ था जिसकी वजह से ख़तरनाक सा जाम हो गया, नहीं तो ये रास्ते में जाम होना नहीं चाहिए था। फाइनली जाम से निकल गए, लेकिन जो 15 मिनट का जो भाई साहब जाम था ना, ओहो हालत ख़राब हो गया, पूरे पसीने पसीने हो गए हैं। और फाइनली हम निकल गए हैं जाम से। घर से जब निकले थे तब मोगा पहुंचने का टाइम 9 बजे दिखा रहा था, और अभी जो दिखा रहा है 9:48 दिखा रहा है, 9:50 हो गया अभी, यानी कि आप सोचो 50 मिनट डिले हो गया, और सिर्फ पीछे वाले जो ट्रैफिक था उसकी वजह से 15-20 मिनट हम उस ट्रैफिक में रुक गए, और उसी में हालत ख़राब हो गया है, पूरा एग्जॉशन हो गया उसी में। अरे हमारे से बाइक चला लो जितनी मर्जी, लेकिन ट्रैफिक में ना बाइक और गाड़ी, बाइक तो और ख़ास करके गाड़ी तो फिर भी ठीक है, आप गाड़ी में बैठे रहते हो, ये क्लच और ब्रेक दबा दबा के ना हाथ में दर्द होने लग गया था। तो हर जगह पे जाम है, इतना ज़्यादा जाम है, पुलिस वालों ने ट्रक वालों को रोक रखा है उसकी वजह से हर जगह पे जाम है। अभी एक टोल था वहाँ पे भी जाम था, और जैसे ही टोल से निकले फिर खाली रास्ता है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि हर जगह पे जाम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा देर बाद जाम मिल जा रहा है। अगर ऐसे रास्ता मिले तो बात अलग है, लेकिन बीच में फिर वो ट्रैफिक जाम आ जाता है ना, उसके चक्कर में पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है, पूरे पसीने पसीने हो गए, चेहरे से पूरा पसीना निकल रहा है। तो गाइज़ हमने अभी थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा जाम था, 80 किलोमीटर तो हमने चला लिया है, और अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज ये है कि हमें मोगा तक जाना था, लेकिन मोगा काफ़ी दूर है और इसलिए हम मोगा तक नहीं जाएंगे, उसके पहले ही कोई ढाबा में रुक जाएंगे। तो 8:30 बज चुका है, लेकिन काफ़ी धूप निकल गया है, और ऐसे जो डाइवर्शन होता है ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे हाँ लगता है कि इधर से जाए इधर से जाए, लेकिन दोनों रास्ता आगे ही मिलता है, क्योंकि मैं तो इधर से जाता रहता हूँ तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन इसको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और कई बार इधर ट्रक वगैरह भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसको तो हटा ही देना चाहिए सरकार को। और आज ट्रैफिक हमने सोचा था बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप बहुत सारे गाड़ी है, तो बहुत सारे लोग छुट्टी होते ही कहीं ना कहीं निकल ही लेते हैं, ज़्यादातर दिल्ली वाला गाड़ी है। आप देखो यहाँ पे फिर से देखो एक दोनों डाइवर्शन कर रखा है, ये लोग राइट जा रहे हैं, जिसको पता नहीं है वो उनको लगता है लेफ्ट कहीं और जा रहा है, लेकिन दोनों रास्ता जो है आगे जाके मिलता है। और बहुत देर बाद थोड़ा सा मैं स्पीड से चला पा रहा हूँ, लेकिन हमने अभी प्लान चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर मोगा जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम कहीं आसपास ही बहुत सारे ढाबा है, शिवा ढाबा है, वहाँ पे रुक जाएंगे। और इसको देखो ना इंडिकेटर दिया ना कुछ किया, सीधा राइट आ गया, इसीलिए एक्सीडेंट होता है, कम से कम इंडिकेटर तो देना चाहिए था, लेफ्ट से राइट आ गया सीधा। हाँ तो दोनों तरफ खेत है और ये हाईवे है, तो बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, बहुत दिन बाद चला रहे इस रास्ते से, तो मैं इनफैक्ट बाइक से आया ही नहीं, पहली बार आ रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम बाइक से गया था मेरठ वाले रास्ते से, क्योंकि मेरठ वाले रास्ते से हमने वहाँ जाना होता है ना लैंसडाउन, तो उधर गए थे। ये नैनीताल वाला रास्ता है, मुरादाबाद मुक्तेश्वर ये रास्ता है, तो पहली बार मैं बाइक से आ रहा हूँ और मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बीच बीच में जो है ट्रैफिक हो जाता है, और गढ़ मुक्तेश्वर के पहले हमें मैप में देख लिया कि काफ़ी ट्रैफिक है, और अगर हमें मोगा जाना था तो गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस करके जाना था, तो इसके चलते हम लोग प्लान चेंज कर दिया है। आसपास अभी जो शिवा ढाबा होगा, शिवा ढाबा में ही कहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तब तक 9 भी बज जाएंगे, आधा घंटा और बाइक चलाएंगे
बस उसके बाद वहाँ से घूम के आ जाएंगे, तब तक हमारा 100 किलोमीटर भी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे जगह जगह पे शिवा ढाबा लिखा हुआ है, राजा जी ढाबा भी एक है, हमने एक बार रुका था यहाँ पे राजा जी ढाबा, वो भी अच्छा है। तो देखते हैं आप कहाँ रुकते हैं, लेकिन गढ़ मुक्तेश्वर के पहले रुक जाएंगे। ट्रैफिक में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, दिक्कत वाली बात है। तो गाइज हम लोग फाइनली एक शिवा ढाबा में आ गए। आप देखो ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है, ओल्ड राव ढाबा से थोड़ा सा आगे है और गढ़ मुक्तेश्वर है ये, तो शिवा टूरिस्ट ढाबा यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थोड़ा सा खाली है क्योंकि पीछे जो है ना बहुत सारे शिवा ढाबा था, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत था, ये थोड़ा सा खाली लग रहा है। तो ये गढ़ मुक्तेश्वर है, फाइनली 115 किलोमीटर हमने चला लिया है और अभी अंदर चलते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं क्या नाश्ता मिलता है हमें। सो पराठे आ गए हैं, आज हमने आलू प्याज के पराठे मंगाए हैं, साथ में दही है और जॉइन तुदा पराठे, एकदम मज़े ले रहे हैं पराठे के। कैसा है पराठा? बढ़िया। एक एक चाय हमने पी लिया है कूलर वाली, और इसके बाद एक राउंड चाय और होगा। तो फिलहाल जो है हम लोग अभी पराठे का आनंद लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो अभी पराठा ले लेते हैं, अभी पराठा तो ठीक है। और ये जगह पे हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ कोई नहीं रहता है, बाहर भी कोई नहीं है, बाकी दूसरे शिवा ढाबा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो इसलिए हम वहाँ नहीं रुके। और हर जगह पे पराठा लगभग सेम ही रहता है, फिलहाल इसको खाते हैं और फिर यहाँ से आधे घंटे में निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आज आप लोगों ने देखा हमने फिर से पराठे खाए, हमने 2 कप चाय पिए और अभी टाइम जो हो गया है 10:15 और फिलहाल हम जा रहे हैं घर। काफ़ी लेट हो गया है, धूप भी निकल गया है, लेकिन क्योंकि पसीने आ रहे हैं और बाइक चला रहे, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, तो जिसकी वजह से अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं रुकना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि और कुछ आप लोग को दिखाने के लिए नहीं है, बताने के लिए